कई पार्टियां दिन में तारे दिखाने का काम करती है जनता को, दिखाते हैं बड़े बड़े सपने और जीत के बाद फिर वैसे बड़े नेताओं के दर्शन तक करना मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें लोकहित अधिकार पार्टी के नेता धनबाद विधानसभा के प्रत्याशी मुर्तुजा आलम ने अपने संबोधन में अमन सोसाइटी में लोगों के बीच कहा। बता दें, लगातार लोकहित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी मुर्तुजा आलम ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम समाज को लेकर बोले, एक बार से मुसलमानों को गरबलाने का काम बड़े नेताओं ने शुरू कर दिया है। वक्त आ गया है इसे गरबलाने वालों नेताओं को सबक सिखाने का। आपका बेटा, आपका भाई आपसे आपका प्यार मांगने आया है। अगर मैं जीतूंगा तो धनबाद की हर बड़ी समस्या का समाधान पहले करूंगा। यह आज अमन सोसाइटी गेट पहुंचे हैं, क्या कुछ लोगों से आपको प्यार उसने मिला है? हाँ, देखिए, ये प्यार ही तो है। मैं कुकी में था और जनसंपर्क अभियान चुनाव को लेकर चल रहा था, लेकिन यहाँ के नौजवानों ने फोन किया हमारे साथी गार्जियन और समर्थक ग्रुप को कि आप आइए अमन सोसाइटी में, हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ये तो बेपनाह प्यार है। इस प्यार को हम तो नहीं भुला सकते, लेकिन जिसने इस प्यार को नज़रअंदाज किया और धोखा दिया है, इस बार यहाँ की जनता उसको सबक सिखाएगी। यहाँ की जनता ने बहुत आशा और उम्मीद के साथ अपना जनप्रतिनिधि चुना कि हमारे समाज का विकास होगा, सड़क नाली का व्यवस्था होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ के जो नागरिक हैं बदहाल सड़क पर चलने पर मजबूर हैं, पानी का दिक्कत है और नालियों का जो है बहुत बड़ा जो है समस्या है। यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि कभी भी यहाँ की जनता के समाधान के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए पहल नहीं किया, नहीं आए। इसको लेकर के यहाँ की जनता में काफ़ी रोष है और गुस्सा है। यहाँ की जनता इस बार फैसला ले लिया है कि अपने बेटा, अपने भाई, अपने दोस्त को अपनी आवाज़ बनानी है और अपने समर्थन देकर के धनबाद को और यहाँ के लोगों को न्याय दिलाना है। जी, बताएंगे किस तरह से मुर्तजा आलम प्रत्याशी को सपोर्ट मिल रहा है यहाँ के लोगों को? जी, मैं नौशाद खान, और मैं बता देता हूँ कि मुर्तजा खान को मुर्तजा आलम जो है अपने खुद खड़े नहीं हुए हैं। ये सब समझ लीजिए कि ये नौजवानों की और बुजुर्गों की सोच हुई कि हम जब कांग्रेस को वोट देते हैं तो हमेशा रायगा जाता है। कभी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि हम अपना कैंडिडेट बना सके हैं और हम वोट को बर्बाद करते हैं। इसलिए अबर सोचा गया है कि तमाम लोगों ने ये सोचा कि अबर वोट हम अपने नौजवान को देंगे और हम अपना लीडर तैयार करेंगे और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, उस लीडर को बताएंगे और इंशाल्लाह जीत होगी और बहुत पुरजोर तरीके से जीत होगी। पूरे आवाम की जो है वो समर्थन है मुर्तजा आलम के साथ। हम लोगों ने दौरा किया, पुटकी का भी, बलिहारी का भी, भागा बांध का भी, और लोगों का बड़ा रुझान है इनके ऊपर। मैं दुआ करता हूं कि ये कामयाब हों।